हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आरके टूल चैनल। दोस्तों, ये इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा और इत्मीनान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये भर्ती बार बार नहीं आती है, एक बार आता है। जीवन में मौका एक बार मिलता है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ये नई भर्ती है पशु विभाग की तरफ से, जो शायद कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपके कुछ सवाल हैं, आपके ही सवाल हैं, हो सकता है आपका नाम इस वीडियो में मैं ले लूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपका सवाल का मैं आंसर करने वाला हूँ, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक मेरे मित्र हैं गोल्डी सागर जी, वे पूछते हैं कि सर, अमरोहा से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सवाल तो आपने कुछ पूछा ही नहीं। अगले हैं, ये पूछते हैं कि उस गांव का आधार, क्या नाम है, ऋषिकेंद्र कौशल, उस गांव का आधार जरूरी है क्या जिस गाँव में मैं रहता हूँ, और इसमें सैलरी कितनी आएगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, ज़रूरी है। जिस गांव में आप रहते हैं, जहाँ पे आपका घर है, उस गांव का आधार कार्ड जरूरी है। और सैलरी की बात है तो सैलरी कितनी आएगी, सैलरी इसमें नहीं मिलेगी। वैक्सीनेटर और सहायक, जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस पर। और गजेंद्र सिंह ये कहते हैं, मैंने पहले ही भर दिया था, उसका नहीं पता, और ये फार्म कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों, आपने पहले ही भर दिया था तो उसका पता चल जाएगा, जैसे ही ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा देश से, तो उसका भी पता लग जाएगा। और ये फार्म आपको फार्म की दुकान पर ही मिलेगा, वहाँ पर आप जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और भर सकते हैं। अगला है रमेश जी, ये पूछते हैं कि सर, ये सरकारी होगा क्या, ट्रेनिंग कहाँ होगा, मेरा चयन हो गया है, जौनपुर से हूँ। तो जौनपुर से हैं आप, सरकारी, तो ये सरकारी होगा क्या? तो दोस्त, सरकारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ट्रेनिंग कहाँ होगा, ट्रेनिंग आपके जो नज़दीकी डॉक्टर हैं वही आपकी ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग वहीं से मिलेगा आपको। मेरा चयन हो गया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और अगले हैं, वो पूछते हैं एसके न्यू टैच भाई, तुम थंबनेल में क्या लिखते हो और बताते क्या हो, बकवास करते हो, क्या बात है दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थंबनेल में अगर मैं ऐसा ना लिखूं तो आपने इस वीडियो को नहीं देखेंगे, और मैं उसके रिलीज में ही दिखाता हूँ, जो मतलब थंबनेल पे होता है वही मैं वीडियो में भी दिखाता हूँ। तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। गोल्डी सागर, सर मैं अमरोहा से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन कुमार, मैं बुरेली से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विपुल कुमार, इटावा से हूँ, आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस काबिल समझा और हमारी वीडियो देखते हैं। दीनदयाल भारती, ये फार्म कहाँ मिलेगा सर, बाकी बागी बलिया से हूँ। दीनदयाल भारती, तो दोस्त आप, दीनदयाल भारती जी, ये फार्म आपको उस दुकान पर मिलेगा जहाँ पर फार्म मिलते हैं, भर्ती वाले फार्म जहाँ मिलते हैं वहीं पर मिलेगा। विकास कुमार, फतेहपुर से हूँ, मेरा हुआ है अभी काल नहीं आया है, मेरा हुआ है कि नहीं अभी काल नहीं आया है, आ जाएगा, आ जाएगा, तसल्ली रखिए, ज़रूर आएगा। मुन्ना सिंह, मैं मुरादाबाद से हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। धर्मवीर सिंह, मैं अलीगढ़ से हूँ, धन्यवाद। किरण सिंह, बाराबंकी से हूँ, धन्यवाद। राम स्वरूप कुशवाहा, मेरा वैक्सीनेटर में हुआ है, मुबारक हो आपको, हमें भी बुलाइएगा। केडी साइन, मुझे लगता है सर नौकरी से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्त क्यों नहीं फ़ायदा है भाई, आजकल तो एक छोटी सी नौकरी होती है उसके लिए भी मारामारी होती है, ये तो वैक्सीनेटर की नौकरी है, तो फ़ायदा क्यों नहीं है? ये आपकी सोच गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, केवल फ़ायदा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अर्जुन कुमार, CCP स्टूडेंट, सर बीज कैसे उगाएं? अच्छा, ये एक मैंने वीडियो बनाया था कि पपीता का खेती के बारे में, तो ये इन्होंने पूछा कि सर बीज कैसे उगाएं? तो अगर और भी कमेंट आते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, पपीते को किस तरीके से आप खेत में उगाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे पेड़ होता है, कितना प्रॉफिट होता है, बहुत कम खर्चे में, ये हम जैसे गरीब लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप अगर इस कमेंट करेंगे ना इस वीडियो में, तो मैं सच में उस पर एक वीडियो बना के दूँगा आपको। अवधेश कुमार, अरे भाई लोग कुछ नहीं रखा है इस नौकरी में, बेवकूफ़ बनाते हैं। नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है, इसमें रखा है, आपकी सोच गलत है, इसमें पैसे आप कमा सकते हैं, प्रति सुई का पैसे मिलता है, कब सरकारी हो जाए ये कोई नहीं जानता, हो भी सकता है परमानेंट ड्यूटी में मिल सकती है। अब मैं आपको बात करता हूँ वो चीज़ के बारे में जो मैंने बताया था। देखिए, ये सरकारी भर्ती है, गांव में नई नई आई हुई है, और आप चाहें तो अपने गांव में कर सकते हैं, गांव पे रह के कर सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पूँजी नहीं लगानी है, अपना जो रोज़गार है वो उसके साथ साथ इसको भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मैं बताना चाहूँगा कि आप ज़रूर कीजिएगा, आधार कार्ड, ग्राम प्रधान का, सेक्रेटरी का साइन मोहर होता है, फार्म के साथ जमा कीजिएगा पशु विभाग के डॉक्टर के पास, और जा कर के आप बात कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा, अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में इसके सिवा, तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मित्रों, आज के वीडियो में नहीं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।